तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ खेत से कैसे पता करें कि खेत हमारा कितना बीघा है। मान लीजिए ये आपका खतौनी है, आप किसी दुकान पर जाइएगा अपना खतौनी निकाल लीजिएगा, आपको अपने खेत का बीघा न पता हो तो आप अपने खेत का बीघा पता कर लेंगे, तो आपको कुछ ऐसे देगा, आप खतौनी निकालेंगे तो कुछ ऐसे देगा आपका 0.0। मान लीजिए आपका जितना खेत रहेगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पे क्षेत्रफल दिया रहता है, तो दिया रहता है। हमको बीघा में बदलना है या वर्ग मीटर में बदलना है, वर्ग फुट में बदलना है, वर्ग गज में बदलना है या बीघा में बदलना है, तो आप बदल सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत रहती है बीघा की, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आपका खेत बीघा में कैसे बदलते हैं। तो देखिए हम आप लोगों को बताते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्ग मीटर, उसके बाद बताएंगे वर्ग फुट, उसके बाद बताएंगे वर्ग गज, उसके बाद दिखाएंगे आपका बीघा। तो आप लोगों ये चारों चीज आज ही बता देते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत रहती है किसकी, जानने की, बीघा की। तो सबसे पहले आप वर्ग मीटर देख लीजिए, आप वर्ग मीटर निकाल लेंगे तो बीघा निकालने में बहुत आसान होगी। तो देखिए वर्ग मीटर आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक सूत्र लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे, एक हेक्टेयर बराबर 10,000। क्या 10,000, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक हेक्टेयर बराबर 10,000, तो हम क्या करेंगे 0.189090, तो इसमें हम क्या करेंगे इनटू 10,000 का गुणा कर देंगे, यानी एक हेक्टेयर का गुणा होगा। तो एक हेक्टेयर बराबर 10 होता है, तो हमने 10,000 लिख दिया। तो इसके बाद क्या होगा आपका, देखिए आपका क्या हो जाएगा, जब इसमें इनटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 1890। तो आपका क्या निकल गया, वर्ग मीटर, ये आपका वर्ग मीटर हो गया। और इसके बाद हम निकालेंगे वर्ग फुट, तो वर्ग निकालने के लिए वर्ग मीटर इनटू वर्ग फुट, तो देखिए वर्ग मीटर कितना आपका दिया है 1890 इनटू, और यदि वर्ग फुट आपका क्या होता है, देखिए वर्ग फुट आपका कितना दिया रहता है 10.7, 10.7, 10.7639 आपका ये वर्ग फुट होता है। तो हम वर्ग फुट को क्या करेंगे, वर्ग फुट को हम इसमें वर्ग मीटर में गुणा करेंगे, यानी 1890 में हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.7639। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए वर्ग फुट आपका कितना निकल कर आएगा, वर्ग फुट आएगा 20,343.77। ये आपका कितना होगा, ये आपका वर्ग फुट होगा। अब हम निकालेंगे वर्ग गज को, जब हम वर्ग गज निकालेंगे, देखिए वर्ग गज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग गज निकालेंगे। तो वर्ग गज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये दिया है वर्ग फुट को लेंगे, यानी 20,343 इंटू 7,7 करेंगे, जब भाग करेंगे देखिए क्या करेंगे, वर्ग मीटर, ये आपका क्या है वर्ग फुट, तो आप क्या करेंगे वर्ग फुट, देखिए वर्ग फुट भागा 9, यानी वर्ग गज, आपका वर्ग एक गज बराबर होता है 9 फुट, तो हमने एक गज बराबर क्या लिख दिया 9, तो जब 9 से हम भाग देंगे इसमें, जब भाग देंगे तो 2×22 कितना आएगा 2260, कितना आएगा 2260.41 वर्ग गज आएगा, कितना 41 गज वर्ग आएगा। तो देखिए हमने आपको बता दिया
देखिए क्या क्या बता दिया, वर्ग मीटर, वर्ग फुट और वर्ग गज। तो वर्ग गज में आप क्या करेंगे, देखिए मीटर को पूरा लिख लेंगे, आपको फुट को पूरा लिख लेंगे, फुट को लिखने के बाद एक गज को एक भागा एक गज लिखेंगे, एक गज बराबर होता है 9 फुट, तो यानी 9 फुट 9 से हम भाग दिए तो इतना आया। और चलिए अब बीघा में सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बीघा में कैसे होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए देखिए आपका क्या कीजिए, वर्ग फुट को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, वर्ग फुट को, वर्ग फुट आपका 1890 दिया है। और हमको देखिए आपके गांव और शहरों में बिस्सा कितना, बिस्सा पे आपका एक बीघा होता है आप पता कर लीजिएगा, हमारे और 2000 पे एक बीघा होता है। तो आप भी अपने नेपाल कांगो या अपने मुखिया आपके गांवों में जो होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो तहसील पे पता कर लीजिएगा। तो मान लीजिए 2000 पे चलता है कि इसमें 2000 का भाग दे दीजिए, क्या कीजिए 2000 का भाग दीजिए, तो आपका आएगा 945। तो आपका 9.5 कट्ठा के लगभग आपका खेत है। तो आप क्या कीजिए 2000 से केवल इसमें वर्ग मीटर निकाल कर, यानी एक हेक्टेयर बराबर 10000, तो 10000 से गुणा कर देंगे इसमें, उसके बाद वर्ग मीटर निकलेगा, वर्ग मीटर निकलेगा जितना बिस्सा आपके शहर में चलता होगा और गांव में चलता होगा उतना से आप इसमें भाग कर दीजिएगा आपका आ जाएगा। तो और चलते हैं देखिए, और नेक्स्ट सवाल में आपको बताएंगे 0.1470 का और 0.5250 का। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगा आपको।